संरक्षण रखना है बच्चों के भी। तो तीसरा मंत्र है लॉफ इन एंड लॉफ आउट, नरेंद्र मोदी बच्चे की मदद करो, अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो अपना इंग्लिश, मतलब मोदी जी का कहना है कि आप उससे क्या होता है सिट्रस कम होता है, सिट्रस लेवल कम होता है, हंस जाइए अंदर से, हंसिए मन से हंसिए, तो आप खुद देखिए एग्जाम जैसे सोल्जर फाइट करता है ना ऐसे बने। अगर आप टेंशन लेके हो रही दिमाग में टेंशन लेके जाओगे ना क्लास ये एग्जामिनेशन हॉल और एग्जाम दोगे तो आपका टीचर आप आपने लिखा होगा उसका मार्क्स देगा वो। ये है मंत्र 4। इसी तरह मंत्र 5 जो है नॉलेज इज परमानेंट, पर उसको पढ़ना होगा उससे, मतलब आप फिर एग्जाम को क्वालिफाई, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जब आप नॉलेज गेन हासिल करने के लिए पढ़ोगे। मंत्र से खुद ही तोड़ता था अगर तो बहुत प्रेशर होता था कि ये जीतना चाहिए, अगर उसने मन में ये लिया होता तो कभी कामयाब नहीं होते किसी और से नहीं। नंबर 7 मंत्र इज योर टाइम मेक द मोस्ट ऑफ इट, आपका टाइम है पहले से ही टाइम टेबल बनाओ, टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्लास खासकर तौर पे मैं पेरेंट्स को बोल रही हूँ कि वो अपने बच्चे को समझाए ये वाला टाइम मुझे प्लेइंग के लिए है, उस टाइम टेबल को उठाए और चारों दीवारों पे लगाए रूम के, फिर जब वो बच्चा उठेगा अगर उसका साइंस का उसमें उस टाइम प्रिपरेशन करना होगा। इतने का अहम मसला है हमारी सोसाइटी में, हम कंपेयर करते हैं बच्चों को, अगर एक बच्चे को एक सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है दूसरे को स्पोर्ट्स में होगा। बारामूला प्रिंसिपल डायट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम NCPCR, जितने भी हमारे आज के इस तकरीब में जो भी हमारे स्पीकर्स हैं, हमारी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, आप सबको मेरी तरफ से आदाब। आज जो मैं आपसे ऑलरेडी, क्योंकि मैडम ने बहुत डिटेल में जिसमें जो उन्होंने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मंत्रास दिए हैं जो कि सक्सेस बताते हैं कैसे एग्जाम्स को टैकल करें, तो उसमें ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं जस्ट 2 पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जो आज का हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है परीक्षा पे चर्चा है, पर ये परीक्षा पर 6.0 है। परीक्षा पर माने पर मतलब फेस्टिवल, जैसे कि मैडम ने बताया एग्जाम्स को हम लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ परीक्षा पे चर्चा है कि एग्जाम्स को भी फेस्टिवल बनाना है, एग्जाम को ऐसा ना करें कि ऐसी चीज जिसकी हम सब डरते हैं, रादर कि एग्जाम को हम खुशी खुशी हम होकर कि कब एग्जाम आए। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ और मैं ओन पर्सनल जैसे कि स्पेशली आप जब पेरेंट्स होते हैं, जब हमारा बच्चे का जो सबसे पहला हर्डल होता है लाइफ में वो होता है क्लास 10 का एग्जाम, जो पहली बार बोर्ड एग्जाम होता है, तो हर पेरेंट अपने बच्चे को बोलता है कि ये एग्जाम अच्छे से करो तो इसके आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लाइक अदर पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि बच्चे क्लास 10 का एग्जाम में अच्छे से पढ़ो, इसके आगे लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। क्लास 10 का एग्जाम आपने अच्छे से किया, फिर क्लास 12 का एग्जाम आता है, तब भी पेरेंट्स ने कहा कि बच्चे ये एग्जाम अच्छा है, तो बंदा क्लास 12 का एग्जाम भी करता है, अच्छे कॉलेज में आता है, फिर जब कॉलेज में आता है फिर एग्जाम देता है, फिर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे ये एग्जाम अच्छे से दो तो आपको अच्छी सी नौकरी मिल रही है। मैं इन सब चीजों के एग्जाम में इसलिए बताना चाहता हूँ, जो एग्जाम्स हैं या परीक्षा है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ में आपको हमेशा एग्जाम देते रहने पड़ेंगे, आप नौकरी में भी आते हैं आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ता है, तो एक एग्जाम को अगर हम सक्सेस और फेलियर के तौर पे ले तो इटसेल्फ जैसे मैडम ने कहा एग्जाम इज अ प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप एक एग्जाम में फेल हुए एक एग्जाम में नाकाम हुए तो इसका ये मतलब नहीं कि लाइफ वहीं खत्म हो जाती है, आपके पास और चांसेस हैं, क्योंकि अल्टीमेट जैसे मैडम ने कहा कि जो हमारा एम ऑफ एग्जामिनेशन या फॉर दैट मैटर जो एंटायर एजुकेशन प्रोसेस है इट इज़ टू गेन नॉलेज एंड टू बिकम अ बेटर पर्सन। एक एग्जाम में फेल हुए आप फिर से एग्जाम दें, फिर से फाउंडेशन अपने स्ट्रॉन्ग करें और आप उस एग्जाम को ओवरकम करके आगे जा सकते हैं। तो जो परीक्षा पे चर्चा का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो हमारे एग्जामिनेशन जो स्पेशली हमारे देश में बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, जिसमें कि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि इसमें आपको मेक इट या ब्रेक इट है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना है कि अगर इस एग्जाम में आप फेल हो गए तो आप लाइफ में फेल हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली एज पेरेंट्स हमारे बच्चों को ये मैसेज देना कि अगर आप, हम विश करते हैं बच्चे को कि आप एग्जाम में अच्छा करें, पर अगर आप अच्छा नहीं भी करते हैं तो इसका कोई मतलब क्या कहते हैं, वी हैव टू बी एज पेरेंट कंसिडरेट कि बच्चे को हमें सराहना देनी है, संतावना देनी है कि कोई नहीं एक और चांस है फिर से हम दे सकते हैं।
तो इसी मैसेज के साथ मैं रिक्वेस्ट मैं थैंक करना चाहता हूँ सीईओ साहब का और एनसीपीसीआर सर का कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज जो मीटिंग है स्पेशली जो एक आपने ये एक इवेंट रखा है जिसमें स्पेशली पेरेंट्स की सेंसिटाइजेशन, क्योंकि जो लास्ट टाइम हमने की थी वो पेरेंट्स के वो टीचर्स के साथ की थी और स्टूडेंट्स के साथ की थी, तो जो परीक्षा पे चर्चा का जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, तो मैं खुश हूँ कि आज इतने बड़े नंबर पर तादाद पर पेरेंट्स आए हुए हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा स्पेशली अपने बच्चों को भी जाके सेंसिटाइज करें कि एग्जाम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ये लेने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़े ना, अच्छे से पढ़े, पर किसी कारण से अगर वो आज जो आज का इवेंट था जो हमारे चीफ एजुकेशन बारामूला बलबीर साहब ने इन कोलैबोरेशन विद जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर से साथ एक इवेंट रखा था। ये इवेंट जैसा आपको पता है कि परीक्षा पर चर्चा परीक्षा पर 6.2 के रिगार्डिंग था। तो जैसा आपको पता है कि जो परीक्षा पर चर्चा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें वो डायलॉग करते हैं स्टूडेंट्स के साथ स्पेशली विद रिगार्ड टू चैलेंजेस एंड स्ट्रेस विद एग्जाम। जैसा आपको पता है स्पेशली इन आर कंट्री एग्जाम्स जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों के साथ, तो कई बार बच्चे इस एक्सपेक्टेशन के बोझ से ही बड़े डर जाते हैं और ना लॉट ऑफ टाइम्स आपको पता होगा कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, लॉट ऑफ केसेस सुसाइड भी होता है। इस नेचर से निकलने के लिए, स्ट्रेसफुल नेचर से निकलने के लिए जो परीक्षा पे चर्चा है इस डायलॉग स्टेटिंग की जो एग्ज़ाम है इट इज़ अ सेलिब्रेशन, एग्ज़ाम सेलिब्रेशन है जो साल भर की बच्चा जो साल भर की तालीम हासिल करता है एक सेलिब्रेशन होता है कि उस तालीम को वो पेपर पे निकाले, ना कि इट्स एग्जामिनेशन ऑफ द बच्चा हिमसेल्फ। तो इसीलिए जो परीक्षा पे चर्चा जो इवेंट है इसमें जो दो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता होगा पिछले एक दो तीन हफ्ते पहले हमने एक इवेंट किया था डाक बंगला में जिसमें हमने सारे स्टूडेंट्स को बुलाया था, उसमें स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज किया गया था कि इट्स एन एग्ज़ाम। जैसे कि आज हमारे जो एनसीपीसीआर के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जो मंत्रास बताया कि इट्स एन एग्ज़ाम जो है, तो इसी के मद्देनज़र एक जो सेकेंड पहलू है जिस इम्पॉर्टेंट है परीक्षा पे चर्चा वो है स्टूडेंट, वो है टीचर्स टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो आज आपने देखा होगा जो पेरेंट्स आए हुए थे तो उनको भी सेंसिटाइज किया गया है कि जो परीक्षा है एग्ज़ाम इट्स अल्टीमेटली जस्ट एन इवेंट, इट इज़ नॉट की कल्मिनेशन ऑफ द एंटायर लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट उस एग्ज़ाम में फेल भी होता है या परफॉर्म नहीं करता है उसके पास हमेशा एक सेकेंड ऑप्शन रहता है परफॉर्म करने के लिए। तो उसी के लिए आई वुड लाइक टू थैंक सीईओ साहब फॉर कंडक्टिंग सच ए नाइस प्रोग्राम और मैं होप करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स फ्यूचर में भी बॉर्डर एरिया में भी इन प्रोग्राम्स की अच्छी जरूरत है, वहाँ पे भी ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद होने चाहिए। यस सर, जैसे कि सीईओ साहब बता रहे हैं कि उन्होंने किया और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सर।